सुबह स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो की तरफ से आने वाला E40 मॉडल के बारे में। जानेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस कैसा है। फ़ोन 9,500 रुपये के आसपास आता है, 10,000 के नीचे ही देखने को मिलता है। तो रेट जो है थोड़ा अप एंड डाउन हो सकते, कभी कभी स्कीम आ जाती है बिना स्कीम के। तो क्या आपके लिए ये अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, मेरा नाम है गुरपाल और आप देख रहे हैं पन्नू टेक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ऑल करिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जान लेते हैं इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर बॉक्स कंटेंट की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक ट्रांसपेरेंट कवर, एक मोबाइल, ऑफिशियली बात है कि मोबाइल तो मिलेगा ही, और उसी के साथ साथ हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिलता है। साथ में मिलता है एक चार्जर और एक टाइप सी जो यूएसबी केबल है वो जो चार्जिंग के लिए, और इसके अलावा हमें बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो जानते हैं डिटेल में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें इस फ़ोन में देखने को मिलती हैं, जिससे क्या है कि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके कि क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है या नहीं। तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे नेटवर्क की, तो यहाँ पे हमें 2G 3G 4G नेटवर्क देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, बट 4G के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। तो 4G अच्छी कनेक्टिविटी है और नेटवर्क के मामले में अगर बात करें तो ठीक ठाक है, बेटर है और बढ़िया कॉलिंग भी हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा अगर 5G की बात करें तो यहाँ पे हमें 5G की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। 4G प्लस की भी जो वैलिडिटी है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये एक बजट से नीचे जो कैटेगरी का फोन मॉडल है, कह सकते हैं कि अंडर 10,000 है, तो वहाँ पे हमें क्या है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें 4G प्लस का जो वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी बिल्ड की, तो यहाँ पे लगभग 198 ग्राम्स के आसपास जो इसका वेट है वो देखने को मिलता है, और प्लास्टिक का बिल्ड है यहाँ पे, और जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। तो काफ़ी फ़ोन ठीक ठाक है, हाथ में पकड़ने में हैंडी लगता है, बट कोई भी अगर दबा के देखते तो फ़ोन ठोस है, दबता नहीं है किसी भी एंगल से। तो कभी कभी होता है क्या कि जो फ़ोन प्लास्टिक के होते हैं बैक साइड से बड़ा दबते से, जिससे क्या है कि अच्छा एक फील सा नहीं आता, बट यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि बेकार फिल्म फेल आए, काफ़ी अच्छा फील आता है फ़ोन को हाथ में पकड़ते हुए। और प्लास्टिक का बिल्ड है, बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक अच्छे से मेंटेन है। डिस्प्ले की यहाँ पे बात करें तो 6.5 इंच की हमें LCD पैनल देखने में मिलता है, जो कि आता है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आज के समय में अंडर 10,000 हमें एक 90 हर्ट्ज़ वाली रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें LED और LCD दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बट हाँ काफ़ी सारा अंतर डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, अगर आपका कोई भी डाउट है कि ये जो हमें देखने को मिलती हैं LCD और AMOLED पैनल हो गया या LED, ये तो इन सब में क्या डिफरेंसेस है, हमने वीडियो में डिटेल में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक ठाक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर बेजल्स वगैरह भी देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक बेजल्स हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, तो डिस्प्ले ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें OS की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और बात करें चिपसेट की, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यूनिसॉस की तरफ से T700। तो ठीक ठाक है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ में अगर स्टोरेज की बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज, जो आता है eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ। और बट कनेक्टिविटी के लिए बात करें, तो यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि कनेक्टिविटी में हमारे काम में आएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की, जो कि है कैमरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक मोबाइल में, क्योंकि लोग आज के समय में ज़्यादातर लोग मोबाइल्स को लेते हैं सिर्फ पिक्चर्स वगैरह या प्रोसेसिंग वगैरह के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें गेमिंग को लेकर, तो यहाँ पर इतनी हाई एंड गेमिंग नहीं, बट हाँ ठीक ठाक लो लेवल पर हम गेमिंग्स को खेल सकते हैं ठीक ठाक। और उसके साथ में अगर कैमरा मॉडल की बात करें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, तीन हमें कैमरे बैक साइड में देखने को मिलते हैं। सामने की ओर अगर बात करें, तो 8 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर के साथ हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक, जो कुछ सैम्पल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर, तो कुछ ठीक ठाक सी इमेजेस आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जिस हिसाब से बजट रेंज है उस हिसाब से ठीक ठाक कैमरा कहेंगे कि हाँ अच्छा कैमरा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बैटरी की बात करें, तो 5000mAh की बैटरी आती है, जो आती है 10 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो फास्ट नहीं, 10 वाट की एक नॉर्मल चार्जिंग है, और कह सकते हैं कि ठीक ठाक 5000 की बैटरी, जिसको चार्ज करने में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि 10 वाट की चार्जिंग है, बट हाँ ओवरऑल अगर बात करें जो बैकअप की, तो काफ़ी अच्छा बैकअप हमें देखने को मिल जाता है, एक लंबा टाइम तक हम इसको यूज़ करेंगे तो
फाइनली बात कह सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।